हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू। मेरे चैनल सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा एस क्रोन व्हील पिनियन की, टाटा एस सीएनजी। सारे सामानों की अच्छे से धुलाई हो गई है, अब इस क्रोन व्हील पिनियन की फिटिंग की बारी है। तो आइए चलिए फिटिंग करते हैं। पहले तो स्टार हंडी में इस कड़े को सेट करेंगे इस प्रकार से। कड़े के सारे बोल्टों को लगाएंगे। अब उसके बाद कड़े के बोल्टों को मिलाकर इसको अच्छे से टाइट करेंगे बाग पे या फिर एक्सेल के कड़े हुए एक्सेल में फंसा कर इस प्रकार से इसको टाइट करेंगे, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। अब कड़े के सारे बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट करके अब पिनियन में बैरिंग को फिट करेंगे। बैरिंग फिट करने से पहले उसके कोन को फिट करेंगे इस प्रकार से। दोस्तों, बैरिंग फिट हो चुका है हमारा। उसके बाद पिनियन को हंडी के अंदर फिट करेंगे। क्रोन हांडी में पिनियन फिट हो गई है। अब पिनियन कपलिंग के नट को अच्छे से कस देंगे। पिनियन नट कसने के लिए इस पट्टे का प्रयोग करेंगे ताकि पिनियन नट हमारा अच्छे से कस जाए। Thank you.
पिनियन फिट होने के बाद अब कड़े को फिट करेंगे। इस प्रकार से दोनों बैरिंग और साइड वॉशरों को एक साथ हांडी के अंदर सेट करेंगे। दोस्तों इस हांडी में ज़्यादा कोई बड़ी सेटिंग नहीं होती, बैरिंग के कप के ऊपर एक बड़ा सा वॉशर होता है, उसी वॉशर से इसकी प्ले सेटिंग होती है। दोनों ही बैरिंग अब अच्छे से बैठ गए हैं। उसके बाद इसके ऊपर कैप को लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे जिस साइड का जो कैप है वो उसी साइड लगे तो ठीक होता है। दोस्तों इस क्रोन पिनियन के दांते 9-40 का है, पिनियन 9 और क्रोन 40। कैप के बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने बाद हम प्ले को चेक करेंगे। प्री प्ले को बिल्कुल हल्का सा प्ले होना चाहिए इसके अंदर। घुमा के उसको चेक कर रहे हैं। इस क्रोन पिनियन के अंदर बिल्कुल हल्की सी प्ले है। इस तरह दोस्तों हमारी टाटा एस की क्रोन पिनियन की सेटिंग हो गई है। अब इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।